डाउन जेड बी किसी स्पेशल ट्रेन 9038 का डिपार्चर होने लगा है सनावा स्टेशन की लूप लाइन से। ये सनावा स्टेशन की लूप लाइन पे इसलिए ठहरी थी क्योंकि इसका क्रॉस था डी के एल कोल ट्रेन के साथ, जो कि अभी सनावा स्टेशन से थ्रू हो गई है। तो अब इसका डिपार्चर हो गया है। देखते हैं किलोमीटर नंबर 55/6 के साथ डाउन जेड बी किसी स्पेशल ट्रेन पास होते हुए 9038 के साथ। और ये जो GU40 9038 है ये भी तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद हमारे सेक्शन पर आ रहा है, तो काफ़ी अर्से के बाद इस इंजन का जो है दीदार होगा। तो ट्रेन अभी ये देखे ना मेन लाइन पे, इस लाइन पे ट्रेन ने इस लाइन से पास होना है, लेकिन अभी इस लाइन पर ट्रेन जो है वो आई नहीं है। यानी अभी ट्रेन जो है सनावा स्टेशन की लूप लाइन पे ठहरी है, तो लूप लाइन से अब मेन लाइन पर इंटर होगी। यानी इस ट्रैक जाना है इस ट्रेन ने, इस ट्रैक से अभी ठहरी दूसरे ट्रैक पर है। तो देखते हैं फिर मेन लाइन लूप लाइन से मेन लाइन पर ट्रेन इंटर होते हुए डाउन जेड बी किसी स्पेशल ट्रेन 9038 के साथ। और डेट है आज 4 मई 2024, टाइम हो गया है दिन के 2:45। क्योंकि लूप लाइन से मेन लाइन पे ट्रेन इंटर हो रही है तो स्लो स्लो आएगी। ये देखें ये लूप लाइन से मेन लाइन पे आ रही है। अब इंजन जो है ये मेन लाइन पे आ गया है। और ये ट्रेन बहुत ही स्लो पास होगी क्योंकि जब तक ट्रेन इस जगह पर आएगी तो तकरीबन 20 कोचेज अभी भी इसकी लूप लाइन पर होंगी। तो जब तक पूरा लोड क्लियर नहीं हो जाएगा ट्रेन की स्पीड स्लो ही रहेगी। यानी पूरा लोड क्लियर होने का मतलब जब तक पूरा लोड जो है वो मेन लाइन पर इंटर नहीं हो जाता। जेड भी किया है स्पेशल ट्रेन की कोचेज भी है।
ये थी डाउन जेड बी के सी स्पेशल ट्रेन जो कि तकरीबन 8 की स्पीड से पास हुई है इस जगह से 9:38 के साथ, और सेम स्पीड में जा रही है अब भी।